हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी की धारा 369 से। ठीक है, तो 369 में हमें पता है किडनैपिंग। ठीक है, तो किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। किडनैपिंग जो है वो दो तरीके की है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, तो बताता है, देखिए हिंदी में पढ़ेंगे। व्यापरण दो किस्म का होता है भारत में, व्यापरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरण। ठीक है, अब 360 में क्या बताता है वो ध्यान से देखिए। आईपीसी की धारा 360, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, अगर किसी व्यक्ति का भारत में से, भारत की बाउंड्री में से अगर उसका किडनैप कर लिया जाता है तो क्या कहलाएगी वो, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। हूएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, बिना उसकी कंसेंट के जिसको ले जाया जा रहा है, जिसका किडनैप किया जा रहा है, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, और ऑफ सम पर्सन यानी उसके साथ से जुड़े हुए लोग लीगली ऑथराइज जो हैं टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, देखिए हिंदी में देखेंगे। भारत में से व्यापरण जो किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से संपत्ति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, मींस उसकी सम्मति के बिना भारत की सीमाओं में से, सीमाओं से परे प्रहरण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बेटे को किसी व्यक्ति को सौंप रखा है, लाइक अंकल आंटी के यहाँ रुका हुआ है। ठीक है, अब उनके यहाँ से ये व्यक्ति उस बच्चे को उठा के ले जाता है, क्या उन्होंने उनके जो अंकल आंटी थे उस बच्चे के, क्या उनसे पूछा? नहीं पूछा। ठीक है, तो वो यही बता रहा है, हूएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज, मतलब पेरेंट्स ने क्या किया, ऑथराइज कर दिया कि भाई उनके पास है वो, टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। डाउट है कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, क्या होते हैं लॉफुल गार्जियनशिप। Whoever takes or entices any minor under 16 years of age, if male, अगर वो पुरुष है तो कितना, 16 year, और under 18 years of age if a female। ध्यान रखना important है कि 360 में क्या बता रहा है kidnapping के लिए, whoever takes or entices any minor under 16 years of age, अगर वो male है, और अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ अ फीमेल, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या हो, एनी पर्सन अनसाउंड माइंड, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप सच माइनर और पर्सन ऑफ साउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन इज सेट टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, मतलब किसी के पास किसी बच्चे की गार्जियनशिप है, करेक्ट, और क्या किया, या वो क्या है, अगर मेल है तो कितना, 16 ईयर, अगर वो फीमेल है तो 18 ईयर्स, उनसे बिना कंसेंट लिए उसको कहीं ले जाता है। ठीक है, उनसे बिना पूछे, तो वो क्या कहलाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। देखें, हूएवर टेक्स और एंटाइसिस एनी माइनर अंडर 16 years of age if a male or under 18 years of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, मतलब वो unsound mind भी हो, by chance समझ लें कोई बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, और वो unsound mind भी है और उसको बहका के कोई ले गया। ठीक है, without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। देखिए यहाँ लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे, जो कोई किसी अप्राप्य को, यदि वह नर हो तो 16 से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, या किसी
विकृत चित व्यक्ति को ऐसे अप्राप्य या विकृत चित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक को संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है। ठीक है, जो उसका संरक्षक था उसकी सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है। पहले जमाने में बच्चों को टॉफी दिखाते थे और ले जाते थे, साथ उठा ले जाते थे। वह ऐसे अप्राप्त वे या ऐसे व्यक्ति का विधि पूर्ण संरक्षा में से व्यापरण करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। एक्सप्लेनेशन, द वर्ड लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स एनी पर्सन लॉफुली एंट्रस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। मतलब जिसके पास उस बच्चे की, माइनर की क्या है, कस्टडी है, तो वो क्या कहलाएगा, लॉफुल गार्जियन। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। दिस सेक्शन डजंट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिमेट चाइल्ड और हु इज इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोर्टल और अनलॉफुल पर्पस। देखिए हिंदी में पढ़ेंगे, इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, ध्यान रखना है, इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्य पर नहीं है जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी धर्म अधर्मज शिशु का पिता है। ठीक है, क्या है, अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, क्योंकि मतलब बच्चा है तो उसका भी हकदार है, ऐसा समझा जाता है। जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक, अगर वो दुरा, जब तक वो कैसा है, दुराचारिक नहीं है या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया जाए, तब तक उसे ठीक मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अबडक्शन क्या है। हूएवर बाय फोर्स कंपेल्स और बाय एनी डिसीटफुल मीनिंग induces any person to go from any place is said to abduct that person। देखें, जो कोई 362 important है, अपहरण, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा, मान लो ए ने बी के ऊपर बंदूक थान दी, चल भाई मेरे साथ चल, विवश करता है। ठीक है, विवश करता है या किन्हीं प्रवचन पूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, उसको उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो पहले किडनैपिंग समझा हमने कि किडनैपिंग है क्या। ठीक है, अब पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग में क्या आ गया, हूएवर किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, दोनों चीजें आ गई जो ऊपर कनेक्ट की थी हमने, और लॉफुल गार्जियनशिप शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। क्या होगा उसके ऊपर, 7 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है। व्यापरण के लिए दंड, जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरचना में से किसी व्यक्ति का व्यापरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित होगा। करेक्ट, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश बता रहा है स्टेट अमेंडमेंट्स, उत्तर प्रदेश ऑफेंस अंडर सेक्शन 363 आईपीसी इज नॉट बेलेबल। यूपी के अंदर क्या है ये, नॉट बेलेबल एक्ट फर्स्ट ऑफ द 1984 सेक्शन 12 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 1984। उत्तर प्रदेश में धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाला अपराध अजमानती है। ठीक है, अगर ऐसा अपराध यूपी के शहर में होता है कहीं पर, तो वह अजमानती है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 363A। अब देखें उसके पार्ट आ गए, ये तो हो गया पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। अब इसके अंदर बता रहा है किडनैपिंग और मेमिंग और ए मेंबर माइनर फॉर पर्पस ऑफ बैगिंग, फॉर पर्पस ऑफ बैगिंग। ठीक है, हूएवर किडनैप्स एनी माइनर और नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ ए माइनर ऑब्टेन द कस्टडी ऑफ द माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी एम्प्लॉयड, क्या होगा, एम्प्लॉयड किया जाएगा और यूज फॉर ए पुट फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग शैल बी पनिशेबल
विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। देखो क्या कह रहा है 363 जो कह है ए है वो क्या बता दिए, भीख मांगने के लिए, प्रयोजनों के लिए या अप्राप्त में या व्यापरण या विकलांगीकरण यानी बच्चे को विकलांग कर देना, करते रोड साइड होते हैं विकलांग करके फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, जो कोई किसी अप्राप्त में का इसलिए व्यापरण करेगा या अप्राप्य का विधिपूर्ण संरक्षण स्वयं न होते हुए अप्राप्त वे की अभिरक्षा इसीलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्त वे भीख मांगने के लिए प्रायोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। मतलब उन बच्चों का, किसी बच्चे को अगर वो उठाएगा तो उसको मतलब अपंग करके फिर उसको क्या करेगा, बैगिंग के काम में अगर लगा देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्षों की होगी हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको, 363 को, किडनैपिंग और मेमिंग ऑफ ए माइनर ऑफ ए पर्पस ऑफ बैगिंग, हूएवर किडनैप्स एनी माइनर और नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ ए माइनर ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ द माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ बैगिंग शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर ए फाइन। अगर कोई ऐसा करता है, किसी बच्चे को उठाता है और उसको भीख मंगवाने के लिए या उसको अपंग कर देता है तो उस कंडीशन में 363A उसके ऊपर लगेगा। चलेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अब हम इसी में, हूसोएवर मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच अ माइनर मे एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग शैल बी पनिशेबल विद एम्प्रिजनमेंट फॉर ए लाइफ एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। वो कह रहा है जो कोई किसी अप्राप्त व्यय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा प्राप्त व्यय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, यानी बच्चा जो है किस काम में लगा दिया जाए, भीख मांगने पर, वह आजीवन कारावास दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडीय होगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर एनी पर्सन नॉट बींग द लॉफुल गार्जियन और ए माइनर एम्प्लॉयज और यूजेज सच माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग इट शैल बी परज्यूम अनलेस द कंट्ररी इज प्रूव दैट ही किडनैप्ड और अदरवाइज ऑब्टेन द कस्टडी ऑफ दैट माइनर इन ऑर्डर दैट द माइनर माइट बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग। अब देखें इसमें क्या बताता है, जहां की कोई व्यक्ति जो अप्राप्त व्यय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उसका लॉफुल गार्जियन नहीं है, उस अप्राप्य को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, कोई नियोजित करेगा, लगाएगा काम में भीख मांगने के, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से अप्राप्तव्य का व्यापरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी, वह अप्राप्त वे भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इन दिस सेक्शन फोर्थ पॉइंट आ रहा है, बैगिंग मींस क्या होता है, सॉलिसिटिंग और रिसीविंग एम आर्म्स इन पब्लिक प्लेस वेदर, इसको कहते हैं हिंदी में दान, क्या कहते हैं, दान मांगना, भीख मांगना, अंडर दी प्रिटेंस ऑफ सिंगिंग। देखा वो रोड साइड आप लोगों ने, बच्चे होते हैं कुछ नाच रहे गा रहे होते हैं, नाचना, गाना गा के सुनाना, डांसिंग, फॉर्चून टेलिंग भविष्य बता रहे हैं, परफॉर्मिंग ट्रिक्स ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स और अदरवाइज बैगिंग इसको काउंट करेंगे। ठीक है, लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गले चाहे गाने नाचने भाग्य बताने, देखा ना वो रिंग के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे चुटकिया सी घुमा के नाचते हैं, दिखाने या चीजें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना। ठीक है, अब देखें, एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रमाइसिस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, अब वही भीख मांगना प्राइवेट पर्पस में, जैसे गेट के बाहर नॉक करना लोगों के और कहना जी दान दीजिए हमें, भीख देना, लाइक एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग एम्स एनी सोर वाउंड इंजरी डिफॉर्मिटी और डिजीज whether of himself or of any other person or
ऑफ एन एनिमल। देखिए, भिक्षा अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई वर्ण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शिता या प्रदर्शित करना। कहते नहीं, बच्चों का दिखा दिया, वही देखो मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ, वो चल नहीं पा रहा है और फिर भी उससे भीख मंगवाई जा रही है, लाइक ये उसके अंदर आ जाएगा। यूजिंग माइनर एज एन एग्जिबिट फॉर ए पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स, होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को लेडीज गोद में ले लेके घूमती हैं कि भाई इनको दूध का पैसा दे दो, लाइक वही भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रावधान से अप्राप्तव्य को प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना। ठीक है, माइनर मीन्स क्या है, इन द केस ऑफ मेल अ पर्सन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, मेल के केस में आ गया, इसमें क्या आ गया, क्या होना चाहिए, 16 ईयर, और फीमेल के केस में कितना है, 18 वर्ष, यदि नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का है तथा यह यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की है, तब वो किडनैपिंग होती है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कवर किया है इसमें, 359 से लेके 359 से लेकर के 363A तक हमने कवर किया इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।